कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आने वाली 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला किया है और इस बीच दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी उतरे हुए हैं। हाथ में तख्ती लिए कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ये प्रदर्शनकारी खाने पीने की चीजों पर बड़ी जीएसटी को हटाने की मांग कर रहे हैं। लगातार महंगाई आसमान छू रही है, जीएसटी की जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, आज दही हो चाहे हॉस्पिटल का बेड हो, आदमी और दूध दही जैसे पदार्थ भी आज आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल जो है वो बढ़ रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर हो गया है, जिसकी मार जो है एक तरीके से गरीब आदमी पर पड़ रही है। आम आदमी का जीविका चलाना मुश्किल हो गया है, उसका भोजन करना मुश्किल हो गया है। लगातार अपने जन विरोधी फैसलों के कारण आज गरीब आदमी को इस सरकार ने कराम परेशान कर दिया, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। जीएसटी बढ़ाई गई है दही अनाज पे, तो पहली बार हुआ है सरकार में कि आप दही और अनाज पे भी जीएसटी लगा रहे हैं, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। महंगाई मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है सबके लिए भी बढ़ा हुआ है, तो हम सब चाहते हैं कि सरकार सुने। बता दें, मानसून सत्र के पहले दिन से सदन में कांग्रेस समेत विपक्ष महंगाई पर चर्चा की मांग कर रही है। इस हंगामे के चलते सदन भी चल नहीं पा रहा है, जिसको लेकर 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली की सड़कों पर भी प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों की यही मांग है कि सरकार खाने पीने की चीजों पर से जीएसटी हटाए। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ कमल कंसल की रिपोर्ट, दिल्ली।